छात्र जिलाधिकारी राहुल पांडे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक समीक्षा समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के किसान समृद्ध आयोग के सदस्य ऋषि जायसवाल ने भी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर उर्वरक आपूर्ति एवं वितरण की समीक्षा की। किसान समृद्ध आयोग के सदस्य ऋषि जायसवाल से TV30 इंडिया संवाददाता देव प्रकाश देव ने की खास बातचीत। आज जनपद हाथरस में माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश कृषि समृद्ध आयोग श्री ऋषि जायसवाल जी जो आज इन्होंने समीक्षा बैठक की है कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ, किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर भी उन्होंने बात की है। किस तरह की आज ज़रूरत है किसानों को, किस तरह की सप्लाई उनको खाद की दी जा रही है, जानेंगे उनसे किस तरह की आज आपने समीक्षा बैठक की है। आज जो शासन के माध्यम से सभी जनपदों में किसानों को समय से खाद उपलब्ध हो, इस प्रक्रिया के तहत जनपद हाथरस में भी आज बैठक समीक्षा की है, जिसमें यहाँ खाद की उपलब्धता है और बाकी शासन निरंतर प्रयास कर रहा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की आपूर्ति न बाधित हो। तो किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, किसानों को खास समय पर मिले, इस संदर्भ में आज अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और उन्होंने DM साहब के साथ आज चर्चा भी की है कि ऐसी प्लानिंग करते हुए किसानों को समय से खाद उपलब्धता हो, इसकी आज समीक्षा बैठक थी। कहीं कहीं शिकायतें आ रही हैं, जैसे मारामारी की वो जो शिकायतें रहती हैं, किस तरह सरकार उस पर संज्ञान ले रही है? पैक्स का भी शायद या PCF का कोई अभी इनका शायद 2-3 दिन पहले इनका कोई ऐसा मामला था जिन्होंने अपना एक आंदोलन टाइप का किया था जिसके कारण से समय से नहीं पहुंच पाया वहां पर, इसलिए विलम्ब हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मारावारी की कोई स्थिति हो, एक आध जगह ऐसा होगा तो उसे दूर करेंगे। अन्य जनपदों में क्या समस्या है? अभी यहाँ कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है और न ऐसा कुछ है, सभी को समुचित व्यवस्था हो रही है। मेरे साथ बता रहे थे जिस तरह की समीक्षा बैठक की है किसानों के बारे में, जो खाद और वो जो जिस तरह की जो उपलब्धता की जा रही है उसके बारे में बता रहे थे। मेरे साथ ऋषि जायसवाल जी जो कृषि सदस्य हैं, हाथरस से देव प्रकाश, TV30 इंडिया न्यूज़।